आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग में बहुत ही काम आने वाला है, वर्ड और आपका स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट वगैरह में, तो ये एक अल्टरनेटिव भी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। बेसिकली अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको की जरूरत होती है और उस की के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट को कुछ अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। बट अगर बात करें लिब्रे ऑफिस की, तो लिब्रे ऑफिस आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आपने देखा था कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में क्या अंतर था। ओपन सोर्स में क्या है कि आपको तो कोई भी पैसा नहीं देना है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। तो अगर आपको लिब्रे ऑफिस यूज करना है, तो सबसे पहले आपको उसको अपने सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लिब्रे ऑफिस यूज करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है नेट कनेक्टिविटी के साथ, और वहां पे टाइप करना है libreoffice.org, libreofficeorg। इस तरीके का पेज आपको ये खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ढेर सारी चीजें दी हुई है, डिस्कवर है, डाउनलोड है, गेट हेल्प है, डू इट है, इवेंट्स है, अबाउट अस है, डोनेट है, ओपन सोर्स है। तो अगर आप इसको कुछ फंडिंग करना चाह रहे हो, कुछ पैसा देना चाह रहे, काम से बहुत प्रभावित हो, तो आप यहाँ से पैसे भी दे सकते हो। और फिर यहाँ पे देखो धीरे धीरे कई प्रोजेक्ट्स के नाम है कि ओपन ऑफिस इवेलुएशन क्या है, फन प्रोजेक्ट क्या है, फंटास्टिक लोगों के बारे में आपको, फिर कुछ ट्वीट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और बहुत ढेर सारे इन्फॉर्मेशन। हमें तो डाउनलोड करने से मतलब है, तो डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम लोग यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे देखो ये इतने वर्जन में आपका अवेलेबल है। तो हमें लिब्रे ऑफिस चाहिए, ठीक है, बिजनेस और मैक ऐप स्टोर और ये सब चीजें नहीं चाहिए, डेवलपमेंट भी नहीं चाहिए, पोर्टेबल वर्जन भी नहीं चाहिए, ये सारी चीजें ऑनलाइन भी नहीं चाहिए। अगर आप चाहिए तो आप इसको ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, हमें इंस्टॉल करना है ना, तो हम ये पहले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली बहरहाल ये आपका जो है वो डिस्प्ले कर देगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। जैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज 64 बिट का है, तो ये यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको विंडोज में डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, टोरेंट से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो टोरेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको हर तरीके से मिल जाएगा। बट अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इस चीज को 32 बिट कर दीजिए, 32 बिट का डाउनलोड हो जाएगा, मतलब तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमें इसको 64 बिट का डाउनलोड करना है, क्योंकि मेरा जो विंडोज है वो कितने बिट का है, 64 बिट का है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि आपका विंडोज 32 बिट का है या 64 बिट का है, तो प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हमने आपको माई कंप्यूटर सेटिंग के बारे में बताया था, वहां पे बताया था कि आप अपने विंडोज को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका विंडोज 32 बिट का है या 64 बिट का है। मीन्स माई कंप्यूटर पे जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में चले जाना है, वहां पे आता है कि 32 बिट है या 64 बिट। तो 64 बिट है, हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, तो ये प्रोसेसिंग होगी। तो ये कह रहा है कि योर डाउनलोड शुड बिगिन शॉर्टली, प्लीज क्लिक द लिंक इफ डजंट स्टार्ट। अगर ये नहीं स्टार्ट होता है तो कह रहा है कि आप इस लिंक को से क्लिक करिए। ये डाउनलोड आ गया, IDM सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा, 298.66 MB का है। मैं पहले बताया था लगभग 300 MB का ये सॉफ्टवेयर है। ये देखो ये बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। अब ये पहले तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड का तो प्रोसेस हमने आपको बता दिया, उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे ये कुछ पैसे भी मांग रहे हैं कि अगर आप सपोर्ट करना चाह रहे हो लिब्रे ऑफिस फाउंडेशन को, तो आप यहाँ पे कुछ पैसे भी दे सकते हो, तो इससे उनके जो खर्चे हैं वो चल सकते हैं। ये कुछ सोशल मीडिया पेजेस बने हुए हैं यहाँ पे देखो, ढेर सारे, तो आप इनको भी अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज आपको और मिल जाएगी, अगर आप हेल्प में जाते हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, यहाँ पे जाके आप पूरा का पूरा ऑफिस का डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑफिस से लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्या है, कैसे है, किस तरीके से काम करेगा, ये सारी। तो डाउनलोड हो रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, डाउनलोड होने के बाद हम इसको देखते हैं।
अभी 40 सेकेंड लगभग लगेंगे। ये सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो गया है, अब डाउनलोड में देखना है तो हम सीधे चले जाएंगे अपने माई कंप्यूटर में, सॉरी डाउनलोड फोल्डर में चले जाएंगे, वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डाउनलोडेड डेटा मिल जाएगा। तो डाउनलोड्स में आ गए, डाउनलोड्स में प्रोग्राम्स में, तो प्रोग्राम्स में ये हमारा एक जो डाउनलोड हमने किया था वो पड़ा हुआ है। अभी 12:38 पे हमने किया, 12:39 अभी दिख रहा है, अब हम इसको इंस्टॉल करें। हमने क्या करा, इंस्टॉल करने के लिए या तो ऐसे राइट क्लिक करके और इंस्टॉल पे चले जाएं, या फिर ये exe फाइल है हमारी, क्या है इसके प्रॉपर्टी चलते हैं देखो, ये आएंगे, ये exe फाइल है ठीक है। तो ये दिख रहा है ना, ये विंडोज इंस्टॉलर है और टाइप ऑफ फाइल क्या है, .msi। exe के साथ हमने बताया था ना इंस्टॉलेशन सपोर्ट फाइल भी आती है इसको .msi एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन वाले वीडियो में आपको बताया था .msi फाइल है। अब इसको हम डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करा तो देखो विंडोज इंस्टॉलर के ये ओपन हो गया, क्या आ रहा है प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। तो अब ये धीरे धीरे कुछ सर्टेन स्टेप्स आएंगे, तो यहाँ पे ये चीजें आ गया, इंस्टॉलेशन विजार्ड खुल के आ गया है। तो अब ये कह रहा है कि इंस्टॉलेशन विजार्ड जो है वो आपके कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहा है, अब आप प्रोसेस को फॉलो करो। तो कुछ नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। तो पूछ रहा है टिपिकल करना है या कस्टम करना है, ऊपर है प्लीज सेलेक्ट ए सेटअप टाइप। तो अगर टिपिकल करोगे तो आप इसमें कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टम करते हो, सपोज दैट आप केवल वर्ड की फाइल ही करना चाह रहे हो, एक्सप्लिसिट नहीं करना चाह रहे, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। हम टिपिकल ही करते हैं, नॉर्मली लोग टिपिकल ही करते हैं, तो टिपिकल हम कर ले रहे हैं, हमने टिपिकल पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो दो चेक बॉक्सेस हैं कि डेस्कटॉप पे आप शॉर्टकट आइकन बनाना चाह रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चेक है, अगर अनचेक कर देंगे तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं बनाएगा, लेकिन हमने चेक कर दिया, ये हो गया। फिर आप यहाँ पूछ रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस जो है आपका वो लोड हो जाए कब, जब सिस्टम स्टार्टअप हो, तो जो स्टार्टअप फोल्डर होता है उसमें इसकी सेटिंग हो जाएगी, विंडोज जैसे ही आपका ऑन होगा लिब्रे ऑफिस अपने आप ओपन हो जाएगा, मेमोरी में आ जाएगा। तो ये रहने देते हैं, इससे सिस्टम आपका स्लो हो सकता है। उसके बाद आपका क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, तो ये कुछ टाइम लेगा और स्टेटस यहाँ से दिखता रहेगा, जब तक ये यहाँ तक नहीं भर जाएगा ये आपका प्रोग्रेस बार, तब तक ये इंस्टॉल होता रहेगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा 30 से 35 सेकेंड का। तो हमारा ऑफिस का ये कौन सा वर्जन है, 6.4.5.2, 6.4 बेसिकली इसको बोलेंगे कि 6.4 वर्जन है ऑफिस का, सब वर्जन है 5 और उसका भी सब वर्जन क्या है 2 है। प्रोग्रेस बार आपका बढ़ रहा है, मींस इंस्टॉलेशन आपका हो रहा है, और क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है वो भी यहाँ पे लिखा है। जैसे अभी कंपोनेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस, फिर अब स्क्रिप्ट ऑपरेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, होगा कौन सी फाइल कब कहाँ कैसे क्या होगा, फिर नई फाइल्स को कॉपी किया जा रहा है, तो स्टेटस में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका ये करके इंस्टॉलेशन हो जाएगा, मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट का पूरा प्रोसेस है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का। डाउनलोड करने के लिए आप कहाँ जाओगे, लिब्रे ऑफिस डॉट ऑर्ग पे जाओगे। ये अब इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब ये क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट के रजिस्ट्रेशन को अपडेट कर रहे हैं, टेबल को भी अपडेट कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन है कौन सा कंपोनेंट कहाँ बाइंड हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए। अपकमिंग सेशंस में हम लिब्रे ऑफिस के लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जो लाइव सेशंस ही होंगे, क्योंकि सेपरेट वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, लाइव सेशंस ही होते हैं। तो वहाँ पे आपको पूरे के पूरे एक एक करके सारे ऑफिस जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब कुछ आपको बताए जाएंगे एक एक करके, और ये आपके सिलेबस में भी है, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके सिलेबस के भर चुका है। अब उन्होंने कोई भी ऑफिस आपको पढ़ने के लिए बोल दिया है, अभी तक क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट ही आपको करना पड़ता था, बट अब क्या है कोई भी ऑफिस आप पढ़ सकते हो। तो धीरे धीरे ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये देखो इस तरीके से आपका एक सॉफ्ट, ये जो लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर था वो फिनिश हो चुका है। तो अब इसको हम फिनिश करते हैं, तो ये फिनिश हो गया, अब इसको देखते हैं डेस्कटॉप पे आइकन हमारा।
देखो डेस्कटॉप पे ये आइकन एक बना हुआ है, ये इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट फॉर्म एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस ये पूरा का पूरा ओपन हो रहा है, धीरे धीरे करके जो ओपन पहली बार हो रहा है तो ये आ गया। अब आप क्या करना चाह रहे हो, राइटर मतलब वर्ड का काम करना चाह रहे हो, कैल्क स्प्रेडशीट एक्सेल का काम करना चाह रहे हो, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का है, या ड्राइंग करना चाह रहे हो, मैथ का फॉर्मूला या डेटाबेस करना चाह रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो वो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिब्रे ऑफिस जो है सिस्टम में कंफिगर करके रख सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लिब्रे ऑफिस का इंस्टॉलेशन किस तरीके से हो सकता है।